और भी बहुत सारे राग रागनिया हैं, जैसे फगुआ हुआ। फगुआ में विशेषकर मांदर का उपयोग तो नहीं किया जाता है, लेकिन मर्दाना पक्ष को भी कुछ रखना चाहिए। आरव को सुंदरी बनाने के लिए आजकल मांदर का साथ लेना शुरू कर दिया है। जैसे फगुआ में प्रकार के बारे में बता दे रहे हैं, ठेठ फगुआ, चार प्रकार के फगुआ हैं होली में जो गाए जाते हैं, ठेठ फगुआ, पचरंगी फगुआ, छंद फगुआ और बारामसा फगुआ। अच्छा। और कभी कभी तो आजकल पुछारी फगुआ भी कह देते हैं, हालांकि फगुआ की ही राग होता है लेकिन गाना जस्ट उल्टा होता है ना, जिसके चलते इसको पुछारी बोल देते हैं। इसे आप सुने भी होंगे ये गीत को, हाँ, कि चिमटी ऊपर हाथी चले, चिलक के चेंगाना खाए, उड़त बकुला के पोठी धरी खाए, के कहूं के सुनने के पतिया है। उल्टा गीत है, उल्टा गीत है, बरी साला पानी सिलौटी छपुला, इस तरह के मैंने उल्टा उल्टा गीत सबको पुछारी गीत बोला जाता है। ठेठ फगुआ सब राग रागिनी के जितने भी गीत हैं उसमें चढ़ान ताल है, तुड़न ताल है, अस्थाई है, धुआ है, इस तरह से बांटा हुआ है। हर गीतों में ताल का इस तरह से बंटवारा किया गया है। तो अब इसमें हम चार प्रकार के ताल बजा देंगे जी जी। ये ठेठ फगुआ में चार प्रकार का ताल बज जाएगा एक ही गुराग में, एक ही गुराग में। जैसे ठेठ फगुआ का उच्चारण ताल, ये स्थाई चलता है, और एक उच्चारण और उससे शुरू कर रहा है, ताल है ठेठ फगुआ में। ठेठ फगुआ में I know.